हेलो बच्चों, हम सृजना के अंदर अध्याय फर्स्ट में संत वाणी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें ए नंबर कबीरदास जी के बारे में या कबीरदास जी की द्वारा रचित या रचना की गई साखियों के अंदर हम अध्ययन कर रहे थे। हमने इसमें चार साखियों का या चार दोहों का अध्ययन कर चुके थे, जिसमें आपने चित्र समझ लिया होगा और अपनी नोटबुक के अंदर भी कर लिया होगा। आज हम पाँच नंबर जो साखी है उसका अध्ययन करेंगे, जिस साखी में किस तरह से संगति का महत्व बताया है कि साधुओं की संगति करने से या सच्चे जो महापुरुष या जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी संगति करने से किस प्रकार से फायदा होता है या हमें क्या मिलता है उनसे। तो पढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं। संगत कीजिए साधु की कभी निष्फल होए। संगत कहते हैं संगति को, सत्संगति को कहते हैं बच्चों, और साधु कहते हैं सज्जन व्यक्ति महापुरुष, और निष्फल मतलब कभी भी उनका फल मतलब ऐसे नहीं जाता, निष्फल नहीं होता, या उनका जो फल की प्राप्ति होती है वो बहुत अच्छे परिणाम के रूप में होती है। और लोहा पारस, पारस कहते हैं एक प्रकार का ऐसा पत्थर जिसके छूने से या स्पर्श करने मात्र से जो लोहा है वो भी सोना बन जाता है। और पर्स, पर्स यानी स्पर्श को माने यानी छूने को, छूने से। और कंचन कहते हैं सोना या स्वर्ण हो यानी हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रसंग के रूप में देखेंगे तो प्रसुत दोहा कबीरदास जी द्वारा रचित है, और इसमें सज्जन जो व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्तियों की या महापुरुषों की संगति को सदैव हितकर बताया है कि उनकी संगति करना हमेशा मनुष्य के लिए लाभदायक होता है, हितकर होता है। और व्याख्या के रूप में बच्चों देखेंगे, जिसमें कबीरदास जी कहते हैं कि संतजनों की या जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी संगति कीजिए, उनकी हमेशा संगति करते जाइए, उनकी संगति से कभी भी निष्फल नहीं रहती है, उनकी संगति करना कभी भी निष्फल नहीं रहती है, कि कभी किसी प्रकार की हमें हानि नहीं होती है। जैसे पार्श का स्पर्श करने से लोहा सोना हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि लोहा जो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो वो पार्श के स्पर्श में आने से ही या उसके छूने मात्र से ही खरे सोने के रूप में हो जाता है। तो यानी लोहा पार्श पर्श ते यानी लोहा पार्श के स्पर्श करने से सो यानी वह भी कंचन यानी स्वर्ण में हो जाता है, स्वर्ण में ही हो जाता है या सोने में बदल जाता है। उसी प्रकार से किसी भी प्रकार का मनुष्य अगर सज्जन व्यक्तियों की या सज्जन की या कह सकते हैं संतजनों की अगर संगति कर लेता है तो उसके लिए वह हमेशा हितकर साबित होती है। वह अपने अवगुणों को भूलकर या उसके अवगुण दूर होकर वह एक गुणवान बन जाता है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर कहा है। और रही बात विशेष की, विशेष के अंदर लिखेंगे हम कि हमेशा महापुरुषों की संगति से या कह सकते हैं संतजनों की शक्ति से महामूर्ख व्यक्ति भी अच्छे आचरण को अपनाने लगता है, अच्छे व्यवहार को अपनाने लगता है। और अगर इसमें सेकंड नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार के रूप में है बच्चों, यानी यहाँ पर पार्श के स्पर्श से अगर लोहे का बन जाता है तो उसी प्रकार से साधु जो साधु व्यक्ति हैं या साधु व्यक्ति होते हैं उनकी संगति से भी जो महामूर्ख है वो भी अच्छा व्यक्ति बन जाता है, गुणवान बन जाता है। तो यहाँ पर हम दृष्टांत अलंकार के रूप में दर्शाएंगे इसको, यानी दृष्टांत अलंकार को व्यंजित हुआ है या नजर आया है। तो इस तरह से आप इसका सेकेंड नंबर लिखेंगे। और थर्ड नंबर की बात की जाए तो इसमें यानी भाषा कबीरदास जी के द्वारा भाषा सरल सहज और शब्दावली बहुत ही मतलब मार्मिक है। तो इस तरह से आप इसका तो थर्ड पंक्ति के अंदर आप जो हर पंक्ति में यानी इसके अंदर लिखते ही जाना है। तो इस तरह से बच्चों आप इसे इसके अंदर इसमें 3 पॉइंट डालकर लिख सकते हैं। तो आपको ये 5 नंबर समझ में आ गया होगा, संगत करने से साधुओं की संगत करने से किस प्रकार के हमें लाभदायक होता है, हितकर होता है। तो आगे चलते हैं हम 6 नंबर के अंदर। तो देखिए मारिए आशा सांपनी, तो यहाँ पर कहा गया है कि मारिए आशा सांपनी
जिन रसिया संसार ताकि औषध तोय है, ताकि औषध तोस है ये गुरु मंत्र विचार। तो मारिए आशा सांपनी, मारिए यानी नष्ट करना, भी नष्ट कर दो या मारना। और डसना कहते हैं डस लिया गया या व्यवस्थित हो जाता है। तोस यानी संतोष को कहा गया यहाँ पर, यानी तोस। और गुरु मंत्र यानी गुरु के मंत्र के द्वारा, तो यहाँ पर कबीर दास जी प्रसंग के रूप में लिखेंगे कि प्रसिद्ध वासन कवि कबीरदास रचित है, इसमें दुराशा को त्यागने और संतोष अपनाने का उपदेश दिया गया है। तो यहाँ पर व्याख्या के रूप में लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि ये सारा संसार में जितने भी सभी लोग हैं वो व्यवस्थित रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, उन्हें आशा या तृष्णा रूपी जो सर्पणी है, नागिन है, उनको मारना चाहिए। यानी कि उन लोगों को अपने जो आशा है या जो तृष्णा रूपी नागिन है उसको मारना चाहिए, जो सर्पणी है उसको मारना चाहिए। क्या हम कह सकते हैं कि ऐसे सब लोग दुराशा रूपी जो सर्पणी है जो उन्हें मोह माया में जकड़े रहती है, अतः उसके विष को कुप्रभाव को या जो उसके जो विष रूपी जो उसका प्रभाव होता है उसको अपने संतोष रूपी दवा से दूर किया जा सकता है। तो इस जो ये श्रेष्ठ यानी गुरु के द्वारा दिए गए जो श्रेष्ठ मंत्र है इसको हमें अपनाते हुए उस दुराशा को हम दूर कर सकते हैं या हम उसे समाप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा है मारिए आशा सांपनी, यानी जो ये आशा रूपी या ये दुराशा रूपी जो नागिन है जो इस पूरे संसार को डस रखा है उसकी एक ही औषधि है, उसकी एक ही दवा है या उस दुराशा को दूर करने का एक ही तरीका है कि अपने गुरु मंत्र के द्वारा, यानी जो श्रेष्ठ गुरु के द्वारा जो श्रेष्ठ मंत्र दिया गया है या जो हमें संतोष प्राप्त जो संतोष रूपी जो दवा बताई गई है कि हम किस तरह से संतोष को धारण कर इस संसार के अंदर जो जो मोह माया ग्रस्त जो ये संसार है जो हमें डसता रहता है इससे हम किसे पीछा छुड़ाएंगे या इस जो ऐसी बुरी भावनाएं हैं उनसे हम कैसे पीछा छुड़ाएंगे। तो इस तरह से आप इसको व्याख्या के रूप में लिखेंगे बच्चों। और विशेष की बात की जाए तो इसमें गुरु मंत्र का आशय सबसे श्रेष्ठ बताया है, यानी गुरु मंत्र ही इस संसारिक मोह माया से हमें कह सकते हैं दूर कर हमें संतोष या संतोष रूपी जो दवा है वो हम ग्रहण कर सकते हैं। और इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों, यानी रूपक यानी रूप दर्शाया भी संसारिक मोह माया का जो रूप है वो उस नागिन जो सर्पणी यानी कि जो विषैली नागिन है उसकी समान है। यानी जिस प्रकार से एक विषैली नागिन के डसने से किस तरह जहर फैलता है उसी प्रकार से संसार रूपी जो मोह माया का जो जाल है या जो जहर है वो मनुष्य को किस तरह से अपने प्रभाव से उसके जो विचार है वो विषैले बना देते हैं, यानी उसमें जो बुरे प्रभाव है कुप्रभाव है वो किस तरह से असर दिखाते हैं। इस तरह से आप मतलब रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और तीसरे इसमें लिखेंगे बहुत सरल मतलब सरल साधारण भाषा, और एक तरह से जिस तरह से ये सर्पणी या दुराशा या मोग्रस ऐसे जो शब्द आए बच्चों तो ये एक तरह से साधु के उपदेश द्वारा दिए हुए से शब्द होते हैं, इसलिए इसका सदुकड़ी भाषा का भी मतलब कह सकते हैं अभी सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसमें सिद्ध जिस तरह साधु अपने उपदेश उपदेश रूपी जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग करते हैं तो वो शब्द सदुकड़ी भाषा के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको 6 नंबर के अंदर भी समझ में आ गया होगा मारिया सा सांपनी वाले में। फिर आगे चलते हैं 7 नंबर के अंदर बच्चों। 7 नंबर में देखिए, कागा काको धन हरे कोयल काको देत मीठा शब्द सुनाई के जग अपनो कर लेत। तो यहाँ पर काया कागा यानी कौआ, काको कहते हैं किसका, काको मतलब किसका और अपनो यानी अपना या जो अपने होते हैं या अपनापन जो हमें नजर आते हैं, अपनों मतलब जो अपने होते हैं या अपनापन जिसमें नजर आता है। तो इस तरह से कहा गया बच्चों इसमें। और प्रसंग की बात की जाए तो ये साकी संत कवि कबीरदास द्वारा रचित है, इसमें मधुर वाणी में व्यवहार करने का संदेश दिया गया, यानी बिल्कुल सीधी आम भाषा यानी कोए और
कोयल की तुलना की गई है, दोनों की जो शब्द वाणी है उनकी तुलना की गई है, किस किस प्रकार के कौवे से बोलने से किस प्रकार का जो आम जन होते हैं उनमें प्रभाव होता है, और कोयल बोलने से किस प्रकार से उसका प्रभाव होता है, तो यहाँ इस तरह से किया गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसके धन का अपहरण करता है, काको कागा काको धन हरे, यानी कौवा किसका धन हरता है या धन चुराता है, और कोयल का को देत, और कोयल किसको क्या देती है, यानी कोयल कौन सा किसको मालूम धन बांटती है, और कौवा कहाँ किसका धन छीनता है, यानी दोनों का व्यवहार तो देखो एक जैसा सी है, ना तो कोई किसी का धन छीन रहा है और ना ही कोई किसी का धन दे रहा है, यानी कि कौवा है जिसको हर कोई दुत्कारते रहते हैं क्या वो किसी का धन छीन रहा है, और जो कोयल है वो कौन सा धन बांटती है किसी को, वो भी किसी को कुछ नहीं देती, फिर भी उसका इतना मान आदर होता है। तो यानी इस तरह से दोनों की एक तरह से तुलना करते हुए कहते हैं कि अर्थात न कौवा तो न किसी का नुकसान करता है और न ही कोयल किसी को लाभान्वित करती है, फिर भी कोयल अपनी मीठी वाणी से, या कह सकते हैं परंतु कोयल है वो अपनी मीठी वाणी से सभी को मीठा स्वर सुनाकर सभी को एक दर से आत्मविभोर कर देती है, आत्मविभोर बना देती है, अर्थात सभी को वह प्रिय लगती है, और कौवा अपनी कर्कश वाणी के कारण कर्कश आवाज़ के कारण सभी के द्वारा दुत्कारा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर संसार में मीठी वाणी मीठे वचन का ही सब कुछ प्रभाव बताया है, या संसार के अंदर जो अपना प्रभाव है या जो अपने आदर सम्मान जो पाता है वो अपने सब इस मीठी वाणी से ही पाते हैं। अतः कहा गया है कि हमेशा हमें अपने मीठे स्वर के द्वारा मीठे वचन के द्वारा या हमें ऐसे संतुष्ट करने वाली वाणी का प्रयोग करते हुए इस संसार के अंदर अपना मान सम्मान पाना चाहिए, न कि कोई तरह दुत्कारा जाना चाहिए। तो बच्चों यानी बिल्कुल सिंपल सी भाषा में दिया हुआ है, तो यहाँ पर विशेष रूप में देखा जाए तो मनुष्य को हमेशा शुद्ध वाणी और प्रिय वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो सभी को मधुर लगे, यानी कटु वचन का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। और इसमें बच्चों देख रहे हैं जैसे पहली पंक्ति में काका काको धन हरे कोयल काको देत, यानी क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो बच्चों यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है, और एक इसमें अन्योक्ति परक शैली भी दे रखी है, यानी किस प्रकार से कौवे और कोयल को आधार बनाकर मनुष्य के ऊपर मालूम कथन कहा जा रहा है, इन मनुष्यों को कहा जा रहा है भी है मनुष्य तुम्हें अगर आदर सत्कार पाना है तो कोयल की तरह व्यवहार करना पड़ेगा, कोयल की तरह मधुर बोलना पड़ेगा, और अगर तुम्हें संसार में अगर दुत्कार पानी है या अपमान सहना है तो कौवे की तरह व्यवहार करोगे तो तुम्हें इस तरह से भी आदर सत्कार नहीं किया जाएगा आपका। तो यहाँ पर इस तरह से अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग है, तो इसे अन्योक्ति परक शैली भी कह सकते हैं, और अगर आप चौथा पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं भाषा सहज सरल और कुड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है तो अभी बच्चों आपको रहेगा रहेगा, तो इसको आपको लिखना ही लिखना है। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कबीरदास जी द्वारा बिल्कुल सिंपल तो दोहे या कह सकते हैं जो इनकी साखी है बहुत ही सिंपल भाषा में दे रखी है, तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि अलंकारों का प्रयोग हुआ है, विशेष के अंदर बच्चों लिखना ही लिखना है आपको, और ये आपके नोटबुक के अंदर ये वर्क कार्य किया हुआ ही होना चाहिए। बच्चों आपकी नोटबुक बहुत कम आ रही है तो आप अपनी नोटबुक के अंदर कार्य करते हुए भेजें बच्चों, जितना आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी अच्छी वर्तनी और आपको लर्न करने में सुविधा होगी, और जो बच्चों वर्क लिख कर किया जाता है जितना रिटर्न करोगे आपको वर्क उतने भी ज़्यादा याद भी रहेगा लर्न भी रहेगा। तो बच्चों इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रैक्टिस इस रिटर्न वर्क के रूप में करते रहेंगे। आगे हम चलते हैं तुलसीदास जी के द्वारा रचित बै नंबर के अंदर, जो हमारे हिंदी अगर साहित्य की बात की जाए तो उसमें बड़े प्रसिद्ध कवि के रूप में माने जाते हैं, धर्मगुरु के रूप में माने जाते हैं। तो इसमें हम तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं पहले कि वो उनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, और ये कवि परिचय के रूप में बच्चों काफ़ी मोश होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, यहाँ आपको ध्यान देना है। तो हम तुलसीदास जी के बारे में देख रहे हैं जिसमें कहते जन्म उनका सन 1532 ईस्वी के अंदर और मृत्यु सन 1623 के अंदर,
और तुलसीदास जी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे। और तुलसीदास जी का अत्यंत मतलब बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता था और कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नर हरियानंद वैश्य सनातन से शिक्षा ग्रहण की थी। यानी बच्चों यहाँ पर जो शास्त्र हैं वो बताते हैं या जो इतिहास है वो बताते हैं कि किस प्रकार से तुलसीदास जी का जो बचपन था वो बड़ी कठिनाइयों से भरा था और उन्होंने अपने गुरु नर हरियानंद वैश्य सनातन से शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा सनातन बच्चों उसे कहते हैं जो पुराने परंपरा रीति रिवाजों से जो नियमों के अनुसार जो शिक्षा चली आ रही थी उसके आधार पर ही उन्हें भी शिक्षा प्राप्त की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। यानी जितना प्रेम जो अपने अति स्नेह जो अपनी पत्नी से रखते थे रत्नावली से, तो रत्नावली के द्वारा जब उन्हें इस प्रकार से जब उत्प्रेरित किया कि जितना प्रेम या अति स्नेह तुम मुझसे करते हो, अगर इतना स्नेह या प्रेम अगर तुम भगवान से कर लो, भगवान श्री राम से कर लो, तो तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तो उसी दिन से बच्चों उनके हृदय में राम प्रेम के रूप में जागृत हो गया और वो अपनी ईश्वर भक्ति के द्वारा राम भक्ति के द्वारा उन्होंने राम को पा लिया। और कहते हैं उनको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई और दिव्य दृष्टि के द्वारा उन्होंने रामचरितमानस की जो रचना कर दी थी, ये तो आप बच्चों जानते ही हैं मैं रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। तो इस तरह से कहा जाता है शास्त्रों के द्वारा तुलसीदास ने अवधि व ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की, क्योंकि वह वहाँ के रहने वाले थे और जिस क्षेत्र में जो मतलब कवि या जो राइटर होते हैं वो अपने स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर अवधि और ब्रज भाषा के रूप में उन्होंने रचनाएं की है। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ, यानी उन्होंने उसके बाद राम भक्ति करते हुए दिव्य दृष्टि प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस की मतलब एक कीर्ति है उन्होंने आधार ग्रंथ बना लिया। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों की बात की जाए तो विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और भैरवी रामायण और रामलला नेहचू जो प्रमुख उनके ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अध्ययन करते हुए तुलसी जी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि मानी गई है। यानी सबसे ऊपर यानी काव्य के अंदर समन्वय की भावना यानी समानता की, यानी तुलसीदास जी ने अपने उस समाज के अंदर उनकी जो देखने का नज़रिया था या उस संसार की जो लोगों के अंदर उनकी जो नज़र थी या देखने का जो उनका तरीका था वो सबके सर्वोपरि था। इन सब के लिए वो एक समन्वय की भावना रखते थे, समानता की भावना रखते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर या रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। अप्रासंगिक मतलब उनके तर्क बिल्कुल भी कहीं भी झूठे साबित नहीं हुए या कहीं भी उन्होंने ऐसी कोरी कल्पना नहीं की कि केवल मतलब काल्पनिक हो। उन्होंने बिल्कुल प्रासंगिक तथ्यों को लेकर ही उनकी रचनाएं हैं। यानी कि यहाँ पर रामचरितमानस की बात की जाए या पीछे जितने भी गीतावली, दोहावली या विनय पत्रिका या कृष्ण गीतावली, भैरवी रामायण, रामलला निछो, ये सब जो जितने भी प्रमुख उनके प्रसिद्ध ग्रंथ है सबके अंदर तथ्य युक्त मतलब प्रासंगिक मिलते हैं। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का एक आदर्श पथ प्रदर्शक नजर आते हैं। यानी कि पीछे वो भारतीय समाज था यानी जिस युग के अंदर सतयुग के अंदर बात की जाए या पीछे जितने भी युग आए चाहे वो त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, उनमें उनकी जो रचनाएं हैं वो सभी के सभी एक तथ्य युक्त प्रासंगिक या एक आदर्श पथ प्रदर्शक है जो भारतीय समाज को आज भी रास्ता दिखाती है धर्म पर चलने का, ईश्वर के प्रति ईश्वर भक्ति का या अन्य अगर किसी की मान लो अगर पथ प्रदर्शक के रूप में बात की जाए तो उनके हर एक ग्रंथ भारतीय समाज को एक नई दिशा दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है। तो इस तरह से उनके आदर्श पथ प्रदर्शक हैं। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए,
मानवीय जीवन की सार्थकता परमार्थ में है, यानी कि परोपकार के कार्य में है, दूसरों की भलाई के कार्य में है। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा व बुरी संगत से बुरा बन जाता है, यानी जिस प्रकार से बच्चों कबीरदास जी ने ऐसे ही जो मानवीय गुण है उन पर बल दिया था, तो तुलसीदास जी भी इसी प्रकार से काम क्रोध आदि को दुर्गुण मानते हैं और मानव जीवन का जो सार्थक जो मल पहलू है वो परमार्थ मानते हैं। और मनुष्य वो अगर अच्छी संगति से मतलब यानी संगत से अच्छा और बुरी संगत से बुरा बन जाता है, उसी प्रकार जैसे बच्चों हमने पीछे पढ़ा था या ना तुलसी कबीरदास जी के बारे में था कि संगत के जय साधु की किस कभी ना निष्फल होए लवा पारस परस थे शोभिकत कंचन होए, तो इसी प्रकार से तुलसीदास जी भी यहाँ यही कह रहे हैं कि अगर अच्छी संगति में जाओगे तो अच्छा बन जाओगे, बुरी संगति में जाओगे तो बुरा बन जाओगे। तो हमें अच्छी संगति करनी चाहिए, अच्छी संगति करनी चाहिए, सबसे हिलमिल कर रहना चाहिए, यानी यहाँ पर मिलजुल कर सहयोग की भावना को दर्शाया, समानता की भावना दर्शाया है। और वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेयस्कर है, अगर आपके लिए वक्त प्रतिकूल है आपके पक्ष में नहीं है तो इससे अच्छा है कि आप मौन रहिए। और मौन श्रोताओं भाषा भी मानी गई है बच्चों, आपने पढ़ा भी होगा ना, और हमारे जो राष्ट्रपिता गांधी जी उन्होंने भी तो यही कहा था कि मौन भाषा श्रेष्ठतम है, यानी श्रेष्ठ भाषा है। तो यहाँ तुलसीदास जी भी मौन रहना ही श्रेष्ठकर माने, प्रतिकूल में जब हमारा अवसर हो तब हमें बोलना चाहिए। बुरे समय में धीरज धर्म विवेक साहित्य साहस सत्यव्रत और परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। तो यहाँ पर बुरे वक्त की बात की है कि बुरा वक्त अगर आए तो बुरा वक्त वो तो किसी में आ सकता है, कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो या कोई भी हो, बुरा वक्त या दुख और सुख दोनों मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। अगर दुख आए बुरा वक्त हो तो कभी धीरज नहीं खोना चाहिए, हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए, धर्म पर चलना चाहिए, अपने विवेक अपनी जो बुद्धि कौशल है उसका प्रयोग करना चाहिए, विवेकता का प्रयोग कर यानी विवेकशील होकर कार्य करना चाहिए, साहित्यों की मदद लेनी चाहिए, या हमें साहित्य पढ़ने चाहिए, उस समय साहस का साथ देना मतलब साहस से कार्य करना चाहिए, और सत्य का साथ देना चाहिए, सत्यव्रत यानी सत्य पर ही चलना चाहिए कितनी बुरा वक्त क्यों ना हो, और परमात्मा यानी भगवान में विश्वास रखना चाहिए। तो ऐसा अगर जो व्यक्ति कर लेता है बुरे वक्त में तो वो बुरे वक्त से बहुत आसानी से निकल जाता है, कठिनाइयों का सामना करते वो जो सुख के दिन हैं या जो अच्छे दिन हैं उनकी प्राप्ति कर लेता है बच्चों। तो यहाँ तुलसीदास जी की किस प्रकार से उनके जो दोहे हैं वो मानवता को सीख देते हैं, तो आगे हम उनका दोहा देखते हैं कि उस दोहे के अंदर वो क्या कहते हैं, काव्य के अंदर वो क्या कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ रत, यानी काम कहते हैं यानी जो संसारिक वो माया रूपी जो हमारी तीव्र इच्छा होती है उनको कहते हैं बच्चों, क्रोध यानी गुस्सा, मद कहते हैं अहंकार को, लोभ कहते हैं लालच को, रत में जो डूबा रहता है या जो उसमें लगा रहता है, गृहासक्त दुख रूप, तो गृहासक्त मतलब कहा गया है ग्रह रूप में, यानी इस प्रकार के जो उस अवगुण हैं उन अवगुणों में जो गिरा हुआ रहता है ये सारे के सारे जो रूप हैं ये दुख के हैं। ते कीमी जान ही रघुपति ही मूड परे भवकूप, मूड कहते हैं मूर्ख को, भवकूप कहते हैं संसार रूपी जो कुआं है। तो इस प्रकार से तो बच्चों यहाँ पर प्रसंग के रूप में हम देखी बात करें तो ये प्रसुद्ध दोहा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली से संकलित किया गया, इसमें काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहने का उपदेश दिया गया। और व्याख्या की जाए बच्चों तो देखते हैं कि जो लोग काम मतलब यहाँ पर व्यक्तियों के लिए संसार के अंदर जो मानव है किस प्रकार से काम क्रोध अहंकार लोभ आदि दुर्गुणों में डूबे रहते हैं, किस तरह से उनमें वो खोए रहते हैं, जिससे वो ग्रहासक्त होकर यानी घर परिवार के सुख में रहकर या वो घर परिवार के जो इन जो अवगुण होते हैं उनके अंदर वो डूब कर किस तरह से दुखी जीवन भोगते हैं। ऐसे जो मूर्ख लोग होते हैं वो इस संसार रूपी कुएं में पड़कर किस प्रकार से प्रभु श्री राम की भक्ति महिमा से अपरिचित रहते हैं, उनको जान नहीं पाते हैं कि यहाँ
संसार के अंदर इस मोह माया से बाहर निकलकर राम भक्त यानी श्री राम की भक्ति महिमा ही सबसे अपरंपार है, हमें उसी की भक्ति करते हुए इस संसारिक मोह माया से मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह से कबीरदास जी अपने पहले दोहे के अंदर ये शिक्षा देते हैं। तो बच्चों कल हम आगे तो अन्य जितने भी दोहे बच्चे हैं तुलसीदास जी के द्वारा उनका अध्ययन करेंगे, और आज आप जितने भी कबीरदास जी के द्वारा दोहे थे उनका अध्ययन करते हुए आगे तुलसीदास जी का जो कवि परिचय है उनको जानेंगे, उनके द्वारा जितनी रचनाएं हैं उनको लिखेंगे आप। तो यहाँ पर बच्चों आप तुलसीदास जी का जन्म मृत्यु कहाँ के रहने वाले थे, किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, और किस तरह उनका पारिवारिक जीवन था, और किस तरह से उनका राम प्रेम जागा, और उनकी किस भाषा के अंदर तुलसीदास जी ने ग्रंथ की रचनाएँ की थी, और कौन कौन सी उनके प्रसिद्ध ग्रंथ थे, तो उनको लिखेंगे। तो इस तरह से आप इनका कवि परिचय लिखेंगे और तो पहला दोहा उसका अध्ययन करेंगे और लिखेंगे, और बाकी का वर्क हम आगे कर्मानुसार करेंगे। जय हिंद।